लोकसभा से 6 कांग्रेसी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस ने आज संसद परिसर में विरोध जताया। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने संसद में गांधी जी की मूर्ति के आगे विरोध प्रदर्शन किया और निलंबन रद्द करने की मांग की। आपको बताना चाहेंगे कि 6 कांग्रेसी सांसदों को निलंबित किया गया था कल, जब उन्होंने अपनी बात ना माने जाने को लेकर स्पीकर सुमित्रा महाजन की तरफ कागज फेंककर अपना विरोध जताया था और उसके बाद इन्हें निलंबित कर दिया गया था। बिना वजह से हमारे 6 मेंबर्स को सस्पेंड किए हैं। डेमोक्रेसी में वाद विवाद होता है और वाद विवाद चलता है, लेकिन 6 लोगों को एकदम नोटिस दिए बगैर, एक्सप्लेनेशन पूछे बगैर उनके ऊपर कार्रवाई करके ऐसा सख्त एक्शन लेना ये ठीक नहीं है। निकाला है जब कोई जनता की बात उठा रहे थे, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा, दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को, उसको लेके, तो उनको संसद से बाहर कर दिया। तो ये तो जाति, कभी 10 साल की यूपीए शासन काल में बीजेपी के लोगों ने इतना उपद्रव किया, कभी उनको सदन से नहीं निकाला गया। जिस तरह सदन से निकाला गया उसके विरोध में प्रदर्शन। जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार दिल्ली में आया है, ये तानाशाही का प्रवृत्ति खूब छाए हुए है। इसके खिलाफ, तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ ये प्रदर्शन।